हाई एवरी वन माई नेम इज़ दिशा आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ वेरी इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़ विच इज हमारे जो करेंट सी जी आई हैं दैट इज जस्टिस उदय उमेश ललित ही हैज़ नॉमिनेटेड और रिकमेंडेड द नेम ऑफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ शू बी द नेक्स्ट सी जी आई ऑफ इंडिया ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट्स वाई वील डिस्कस इट इन डिटेल अलोंग विद द करेंट प्रोविजन वी विल ऑल्सो स्टडी द लीगल प्रोविजन कि क्या क्या आर्टिकल है जिसके थ्रू सी जी आई अपॉइंट होते हैं क्या एलिजिबिलिटी है सी जी आई की कौन सी जी आई बन सकता है एंड ऑल द सच काइंड ऑफ डिटेल्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो हमारे जो करेंट लॉ मिनिस्टर हैं ही हैड आग्ड द सी जी आई टू रिकमेंड अ नेम जो कि उनको सक्सीड करे तो जस्टिस उदय उमेश ललित जी ने डी वाई चंद्रचूड़ जी का नाम रिकमेंड किया है जस्टिस उदय उमेश ललित जी का टेन्योर खत्म होने वाला है ही इज गोइंग टू रिटायर ऑन एथ नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो इफ द सेंटर एक्सेप्ट हिज रिकमेंडेशन देन जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ विल बिकम द फिफ्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टिल नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मेकिंग इट टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन द रीसेंट पास्ट जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के जो फादर थे उनका नाम था जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ एंड ही वॉज दिक्सटींथ सी जी आई ऑफ इंडिया दिस फैक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इट माइट कम इन योर एग्जाम नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एलिजिबिलिटी क्या है कौन बन सकता है सी जी आई एलिजिबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल कंडीशन है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का सिटीजन होना मैंडेट्री है सेकेंड कंडीशन इज He should be for at least five years judge of a high court or of two or more such courts in succession. Or he should be a advocate of a high court or of two or more such courts in succession, or he should be, in opinion of a president, a distinguished jurist. So these are the some of the conditions. Now let's understand who appoints CGI. CGI appoints kaise So now the question comes how is the cgi appointed the president has the power to appoint cgi as well as the judges of supreme court under article 124 sub clause 2 of the indian constitution this article bestows the power upon the president that he can appoint cgi as well as the judges in consultation with the judges of supreme court now ये जो वर्ड कंसल्ट है ये बहुत ही एम्बिकस है एंड इट हैज़ नो वेयर बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी वजह से ये वर्ड ऑफ चैलेंज होता है कोर्ट में जिसकी वजह से हमारे पास लीडिंग जजमेंट्स हैं अमंग विच इज द फर्स्ट जज केस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या बोला कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इन द फर्स्ट जज केस तो इस केस ने क्या इस्टेब्लिश किया इस केस ने ये इस्टिश किया कि जो भी रिकमेंडेशन आएगी चीज़ चीजें आएगी फ्रॉम जजेस ट कैन बी सेट असाइड बाई द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट है सबस्टैंशियल रीजन अगर उनके पास कोई भी वैलिड रीजन है तो ही कैन सेट असाइड द नेम रिकमेंडेड बाई द जजेसिश किया पावर टू द एग्जीक्यूटिव इन द अपॉइंटमेंट उन्होंने एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर दी देन द जुडिशरी इस केस ने सो फर्दर दिस पोजिशन वॉज चेंज बहुत सारे केसेस आए अल्टीमेटली द केस विच स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्राम द एग्जीक्यूटिव वॉज द थर्ड जज केस इस केस ने कोलेजियम सिस्टम स्टैब्लिश किया कोलेजियम सिस्टम क्या होता है ये सिस्टम इस सिस्टम में फाइव सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी जी आई होगा और उनके रिकमेंडेशन जाएगी लॉ मिनिस्टर तक एंड हु कन्वे द सेम टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ये लेके जाएंगे प्रेसिडेंट तक और प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दो जी आई एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो आई होप कि आपको सारे लीगल प्रोविजन समझ में आ गए होंगे आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर सब क्लास टू के अंदर प्रेसिडेंट पे ये पास ये पावर है कि वो चाहें तो सी जी आई ऐस तरह से जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है कैसे ये रिकमेंडेशन आती है जजेस तक और कैसे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं सो विद दिस आई हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रोविजंस विद यू आई होप यू फाइंड इट वेट यूजफुल अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी